स्टार्टिंग में मैं एक बात बोलूंगा, अगर इकामा एक्सपायर है ना, तो उसमें हालांकि मैं तो अभी भी ये बात बोलता हूँ अक्सर मुख्तलिफ वीडियोस में, कि अगर किसी ऐसे बंदे का इकामा एक्सपायर है जो किसी कंपनी मुसस्सा या किसी कफील के अंडर काम कर रहा है, तो भाई उसकी कफील कंपनी मुसस्से को पकड़ो, इस बेचारे का क्या कसूर है। हाँ, अगर किसी ऐसे बंदे का इकामा एक्सपायर है जो कंपनी से भाग गया है, या जो एग्रीमेंट किए होते हैं अक्सर सायका सामल मंजरी या कुछ और महीना वाले, वो अपना इकामा खुद लगाते हैं, कफील के साथ मंथली वगैरह डिसाइड होती है उनका, अगर इकामा एक्सपायर हो तो फिर तो वो गुनहगार है। लेकिन फिर भी इकामा एक्सपायर है या पासपोर्ट के 90 दिन एक्सपायर हो चुके हैं, भाई वो इतना मसला नहीं है। मैंने बेशुमार केस देखे हैं, छूटते पकड़ते हैं छोड़ देते हैं, वो भी 2 दफा 3 दफा पकड़े जाए तो डिपोर्ट भी कर देते हैं। अच्छा, लेकिन अगर ये दोनों चीजें हो ही ना, भाई वीडियो देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ वीडियो, मैं स्टार्टिंग में यार एक बात बोलूंगा, खासकर सऊदी अरबिया वाले भाई को, तमाम ओवरसीज आते हैं इसी में, लेकिन हमारा तो तजर्बा सऊदी का, जैसे कि हम सऊदी में रहे हैं। अच्छा, अगर आपके पास आपका कोई दोस्त अखबाब कोई रिश्तेदार आता है, खासकर न्यू वीजा के तौर पर, तो उसको भाई कंबल नया लेकर दे दें, उसको 50 वाला कार्ड सेव करवा दें, उसकी पॉकेट में कुछ रियाल डाल दें या कुछ और लेकर देना है वो लेकर दे दें, तो उसको बोले कि भाई अपना काम, जिस काम के ऊपर तू आया है वो काम ढूंढ ले, रहाइश जो भी तुझे मिला हुआ है वो काम कर। ये बात क्यों कर रहा हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि बंदे उनको अपने पास रख लेते हैं, बाद में भाई फिर इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, यानी कि ये भाई इसने ऐसे किया इसने ऐसे किया, ये चीज़ें तो आम है, लेकिन ये जो मसला मैं आपको बताने लगा हूँ ना, ये इनसे डिफरेंट है। उसमें तो ये होगा जी, बंदे की एक मुंह मारी होगी आपस में, चलो उसने बिस्तरा उठाया या आपने उठाया, रहाइश चेंज कर ली, जान छूट गई। लेकिन भाई इसमें डिफरेंट है, इसमें तो साथ में वो बोलते हैं जी 15 साल, 15 साल के लिए अंदर भी करेंगे और 10 लाख रियाल का फाइन भी करेंगे। कैसे, मैं आपको तफसील साथ में दिखा दो, पढ़कर सुना दो, बात को समझ लीजिएगा। इसमें तमाम परदेसी भाई आते हैं, ये भी आपको क्लियर कर दूं मैं, और 11 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जी, जिनके ऊपर 15-15 साल कैद और 10-10 लाख रियाल का जुर्माना हुआ है, मिलियन मिलियन रियाल का, और उसके बाद डिपोर्ट है। ये भी चीज है जी, किस चीज के ऊपर, देखें वो जो आपका मैंने जैसे को बताया न्यू वीजा वाला जो आ रहा है, या आपका कोई दोस्त भाई आपके पास आ रहा है, भाई उसके पास तो जारी सी बात है पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट के ऊपर वीजा स्टैंप हुआ होगा, 90 दिन का टाइम होता है उसके ऊपर, या इकामा होगा, या इकामा अगर है तो एक्सपायर हो चुका होगा, ये चीजें होंगी ना। अगर खुदा न खवास्ता, ये बात मैं कर रहा हूँ, तो मैं यमन वाली साइड पर रह के आ चुका हूँ, वो जजान से आगे सब या टॉप ऑफ दी फीफा की तरफ, बहुत सी वीडियो मैंने वहाँ से शेयर की हुई है, लाइव इसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, तो वहाँ पर मैंने ये सीन बहुत देखे हैं। अच्छा, अगर खुदा न खवास्ता ऐसा कोई दोस्त बंदा भाई आपका कोई तल्लक वाला, आपके कोई दोस्त का दोस्त उसने आपके पास भेज दिया है, ऐसा कोई बंदा जिसके पास इकामा ना हुआ या पासपोर्ट ना हुआ, आपको वो बोल दे कि मेरा तो इकामा गुम हो गया या मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मेरे पास था, वो सभी इसमें, फिर आप इसी में आएंगे किस चीज में। अच्छा, मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तशहीर ऊपर लिखा हुआ है, देख लें जी, जबत हिताश शख्स, ठीक है जी, 11 बंदे गिरफ्तार किए गए। नीचे मैं आपको जो हमारे काम की चीज है वो आपको बता दूं मैं, तशहीर, तशहीर से मुराद ये है जी कि ये बिस्ती होगी इनकी, अभी अभी इनको आप बोल रहे हैं कि सरेआम इनको, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ 11 बंदे गिरफ्तार हुए इनकी, आप यही बोल रहे हैं कि यार इज्जत इनकी जो है ना वो बखेर दी जाएगी, तशहीर का मकसद यही होता है। अच्छा, आगे बात करेंगे सेकंड नंबर के ऊपर, सज्जन मुत्तल तसल 15 सारा, ठीक है जी, 15 साल की कैद होगी इन 11 बंदों को, या इसमें कोई भी आएगा और भी। नीचे लिखा हुआ जी गरामा माल या तसल मिलियन रियाल, ठीक है जी, यानी कि 10 लाख रियाल का जुर्माना हर पर्सन के ऊपर, हर बंदे के ऊपर। अगर कोई बंदा इनमें से बाद में इनको पकड़ा जाता है ऐसी हरकत करते हुए, 15 साल कैद, 20-30 अलहदा से, साथ में 10 लाख रियाल मिलियन रियाल का जुर्माना। अभी ये है क्या मसला, क्या आपके पास, जैसे मैंने आपको बता दी, कोई ऐसा बंदा आता है जिसके पास इकामा पासपोर्ट नहीं है, अब वो बोलता है मेरा गुम हो गया या फलां, या मैंने फलां जगह जमा करवाया हुआ ये है वो, भाई बात के ऊपर यकीन ही नहीं करना है, उसको बोलना कि भाई सॉरी, मैं आपसे सॉरी बोल सकता हूँ, ये ले पेप्सी, ये ले कोल्ड ड्रिंक, और भी अल्लाह का नाम भाई मेरी जान छोड़, मैं इतना इतनी इतनी, अगर पंजाबी में बात करें ना, मैं भाई इतनी जो इन्नी जोगा नहीं था जो ये बाहर उठा सकूँ, ठीक है। कोई भी ऐसा बंदा जो गैर कानूनी हो, जैसा कि उसके पास कोई किसी किस्म का प्रूफ ना हो सऊदी अरेबिया का, तो भाई उसको अगर आपने रहाइश दी, आपने अपने नाम से सिम निकाल कर दी, आपने उसको टैक्सी में बैठा कर कहीं मशवार लगाई,
मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने जा रहा हूँ, या कोई भी किसी किस्म की आपने अगर उसकी हेल्प की, तो उस सूरत में भाई आपके ऊपर यही जुर्माने होंगे, 15 साल कैद, 10 लाख रियाल का जुर्माना। ठीक है जी, ये आपके ऊपर अलाउड होगा अगर आपने किसी भी ऐसे बंदे की मदद की। तो ऐसे किसी भी बंदे की मदद करने से गुरेज करें भाई, अपना काम सीधा रखें। हाँ, इकामा एक्सपायर हो, पासपोर्ट एक्सपायर हो, मैं वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, वो एक अलग मामला है।